वेलकम टू माई न्यू अनदर कुकिंग ब्लॉग। और आज है हमारी हिंदू नववर्ष है और चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो उसके आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो यहाँ देखिए, मैंने भी व्रत कर रखा है और व्रत के साथ में मैं जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ लेती हूँ, मैं 9 दिन व्रत करती हूँ तो सिंपल सी चीज़ें यूज़ लेती हूँ। मैं कोई थाली वाली वैसे नहीं बनाती, सिर्फ छोटी छोटी, क्योंकि जब हमें व्रत ही किया है तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम हम कुछ खाएं, ताकि भाई हमारे मन को भी शांति मिले। और यहाँ देखिए, मैंने लिया है 2 चम्मच मैंने घी लिया है, घी के साथ में मैंने 1 चम्मच डाला है मैंने जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक गया तो इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी, 2 बड़ी चम्मच के लगभग मैंने मूंगफली डाली है, और काफ़ी सारी मैंने डाली है हरी मिर्ची, क्योंकि जो तीखापन आता है, जो टेस्ट आता है, वो हरी मिर्ची का आता है। तो मैंने पीनट्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, इसी के साथ में मैंने डाली है ये हरी मिर्ची, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको काफ़ी सारी मात्रा में डालिए। साथ ही में डाल दिया मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब यहाँ लिए हैं मैंने सिर्फ 2 आलू लिए हैं, और 2 आलू ये हमारे उबले हुए आलू हैं। उबले हुए आलू को मैंने कट कर लिया पीसेस में, कट करके मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया घी के अंदर। अब यहाँ डाली है मैंने 1/4 TSP हल्दी डाली है, सिर्फ कलर को दिखाने। कुछ लोग हल्दी को अवॉइड करते हैं, तो अगर आपके घर में नहीं खाई जाती है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हो। यहाँ डाली है मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, इसी के साथ में डाला है मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा डाला है जो हमारे व्रत वाला नमक होता है वो। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिए, और इसको बनाने में भी सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। तो बहुत ही मिनिमम सामान के साथ में आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ देखिए, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा नीचे चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी का आप छींटा दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ सिंपल सी चीज़ें गई हैं, काली मिर्च गई है, नमक गया है जो व्रत वाला होता है, अमचूर पाउडर गया है, और थोड़ा सा लास्ट में मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद में डाल दिया मैंने 1 चम्मच के लगभग लेमन जूस, जो कि चटपटा सा हो जाता है, क्योंकि हरी मिर्ची हमने यहाँ पे क्वांटिटी में डाली है। तो यहाँ देखिए, ये हमारी हो गई है तैयार। धनिया मेरे पास स्थानीय धनिया पत्ती, अगर आपके पास हो तो आप वो भी डालिए, बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो यहाँ मैंने प्लेट में सर्विंग कर लिए। अब सिर्फ ये जो 2 आलू हैं, ये इसे एक पूरा बाउल भर गया। अब आप इसको दही के साथ में भी आप सर्व इंजॉय कर सकते हो, या फिर जो कर्ड होता है, हमारा रायता होता है, आप उसके साथ में भी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।